नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी और मैं हूं राजेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं बीएससीएल की न्यू अपडेट्स के साथ। लेकिन साथियों, आज मैं इसकी शुरुआत करूंगा एक कहावत से जो कि बीएससीएल के ऊपर एकदम सही फिट बैठती है, जिसमें कि मेरा मुनसफ ही मेरा कातिल है तो आखिर मैं इंसाफ की उम्मीद किससे करूँ। बीएससीएल कंपनी में देश के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली जी 6 साल तक लीगल एडवाइज़र थे, और अगर आज आप देखें तो बीएससीएल कंपनी के जो लीगल एडवाइज़र जो वकील हैं वो श्री कपिल सिब्बल जी हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का क्या पक्ष रह जाता होगा बीएससीएल के निवेशकों के लिए। पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ, इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों के कान पर चू तक नहीं रह रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब इनके बड़े बड़े कानून मंत्री, बड़े बड़े वित्त मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना रहे हों, जब ये कंपनी में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि जो कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन के बैठे हुए हैं, कंपनी के वकील बन के बैठे हुए हैं, ऐसे में हम इंसाफ आखिर किससे करें। लेकिन मैं शुक्र मानता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उन सभी संगठनों का, जैसे AISO है, ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, या और बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि बीएससीएल के निवेशकों की हक की लड़ाई खड़ी दोपहरिया में तपती धूप के अंदर अपना शर्ट उतार करके रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सीएम का आवास तक घेर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, सीएम की आवास तक को घेर लिया गया है। ऐसे में और के साथ साथ ही कमलनाथ का बयान भी आ चुका है, जो कि पहले लोकसभा में मंत्री रह चुके हैं, उनके बयान के बाद शिवराज सिंह सरकार की नींद उड़ गई है, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया है। इस तरह से दबाव आ गया है कि लगातार वो केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। मातृभूमि टीवी, मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहेंगे कि इस मामले को किसी तरीके से निपटाया जाए, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी ही इलेक्शन आने वाले हैं, आचार संहिता लागू होने वाली है और सरकार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रही है कि अगर बीएससीएल के निवेशकों को इंसाफ नहीं मिलता है तो इसका अंजाम कि हर पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी कमलनाथ जी ने बीएससीएल के निवेशकों को ये बयान में बताया है कि हम कोई भी कदम इलेक्शन के बाद इस पे उठा सकते हैं। कमलनाथ जी, ऐसा नहीं चलेगा। निवेशकों ने अपनी काढ़ी कमाई का पैसा बीएससीएल में जमा किया था, तो चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले ऐसे कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे और गरीबों का साथ देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन इस समय बीएससीएल के साथ 6 करोड़ निवेशक और 80 लाख उसके कार्यकर्ता सीधी सीधी मांग उठा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल चाहे सत्ताधारी सब पार्टी हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उनके सामने निवेशकों की का सीधा सवाल यही है कि आप किसी भी कीमत में चुनाव के पहले हमारे इस इन्वेस्टमेंट का फैसला करिए, और अगर निवेशकों के हित में फैसला नहीं आता तो इसका अंजाम सभी पार्टियों को भुगतना होगा। इसमें किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और मातृभूमि टीवी को सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि जब से मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और रैली मध्य प्रदेश के अंदर की है, तब से शिवराज सिंह सरकार की नींद उड़ चुकी है और वो लगातार केंद्र के संपर्क में है कि जल्दी से जल्दी कैसे इस मामले का निपटारा किया जाए ताकि चुनाव के पहले उनके जो निवेशक हैं और जो कंपनी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कैसे आश्वासन दिया जा सके। लेकिन इस समय जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकदम करो या मरो की स्थिति में है। उनका सीधा कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर पैसा हमारा मिलना चाहिए, तभी हम मतदान करेंगे, वरना नोटा का बटन दबाएंगे। तो साथियों, अभी पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि कंपनी में जो बोली लग रही थी, ऑप्शन लग रहा था, कंपनी ने जो ऑप्शन किए हुए थे पूरे कंट्री के अंदर 26,500 करोड़ के, उसमें कुछ कंपनियों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज का टोटल मिलाकर 49,000 करोड़ तक का उन्होंने बोली लगाया हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में शर्त रखी थी कि हम हर साल 10,000 करोड़ रुपए देंगे और ये पूरा पैसा 5 साल में पेट करेंगे। लेकिन साथियों, सेबी को और आरएम लोढ़ा कमेटी को ये बात मंजूर नहीं है, क्योंकि निवेशकों का पैसा अभी तुरंत लौटाना है।
और अगर 5 साल का समय वो लेंगे तब ये बहुत लंबा समय खींच जाएगा। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो कंपनी जल्दी से जल्दी अपने PSEL को पैसा देगी, एक मुश्त पैसा भुगतान करेगी या 2-4 महीनों के अंदर पैसा पेड करेगी, उसी कंपनी को कंपनी अपनी PSEL की प्रॉपर्टी सेल की जाएगी। और साथियों, PSEL के निवेशकों के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात यह है, भूमि टीवी, मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहेंगे। बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट कंपनियों के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस कंपनी का पैसा डूब गया हो उसका पैसा कभी किसी निवेशक को मिला हो। लेकिन सिर्फ PSEL इंडिया लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जिसका पैसा निवेशकों को अब मिल रहा है। अगर 2500 रुपए तक का पैसा लोगों को मिल रहा है तो वो इस बात का सबूत है कि बड़े अमाउंट का पैसा भी लोगों को हर हालत में मिलेगा। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी भी कीमत पर तलवार और म्यान रख के बैठ ना जाए, वो अपनी लड़ाई सड़कों पर लगातार जारी रखें और किसी भी कीमत पर सरकार की नींद उड़ा दें। अगर इस समय अगर लोग दबाव नहीं बना पाएंगे तो बाद में दोबारा कभी दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ वोट चाहिए, वोट के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मीठा मीठा बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मैं मातृभूमि टीवी और मैं राजेश मिश्रा, मैं PSEL के सभी निवेशकों से, सभी संस्थानों से, सभी ऑर्गेनाइजेशन से, सभी लीडर से को मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि PSEL की लड़ाई मैं लोकसभा से लेकर सड़क तक हर जगह लड़ूंगा, आपकी आवाज़ मैं सरकार तक पहुँचाऊंगा। और जब तक आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का एक एक रुपये नहीं मिल जाता है तब तक मैं हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। मीडिया आपका साथ दे या ना दे, लेकिन मातृभूमि टीवी आखिरी दम तक आपका साथ देगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी लड़ाई चल रही है आपकी, आप इस लड़ाई को RM लोढ़ा के ऑफिस को घेरने से लेकर, SEBI के ऑफिस को घेरने से लेकर के हर भी, जितने भी राजधानी है, हर कैपिटल में SEBI के ऑफिस है, जितने भी मुख्यमंत्री के ऑफिस है, सबका जो घेराव आप लोग कर रहे हैं, ये एक कानूनी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का बहुत ही सही तरीका है। आप लोग इस तरीके से लड़ते रहिए और मातृभूमि टीवी आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती रहेगी हमेशा। और दबी जुबान से सरकार के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कुछ नेताओं ने, कुछ प्रवक्ताओं ने ऑन कैमरा तो हमसे नहीं बताया, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि सरकार इस पर तत्काल विचार कर रही है। जिस तरीके से PSEL का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, उस तरीके से मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द बड़े अमाउंट का रिटर्न स्टार्ट होगा। और कुछ और कंपनियाँ भी सामने आ रही हैं जो प्रॉपर्टी को बड़े लेवल पे बोली लगाकर वन टाइम पेमेंट देंगी और कंपनी के पास पैसा पहुँचेगा। और RM लोढ़ा कमेटी से भी मातृभूमि टीवी ये गुजारिश करता है कि आप ऐसे काम में उंगली डालकर मत बैठे रहिए, आप निवेशकों की आवाज़ समझिए। अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री अगर देश में है और वो गरीबों की आवाज़ नहीं समझ पा रहा है तो ये दुख की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर इस बात को सुन रहे होंगे और मध्य प्रदेश का चुनाव आने से पहले, राजस्थान का चुनाव आने से पहले और जितने भी चुनाव आने वाले हैं और 2019 के आम चुनाव आने से पहले PSEL के निवेशकों का पैसा किसी भी कीमत पर उन्हें मिलना चाहिए। ये मातृभूमि टीवी जो है PSEL के निवेशकों की आवाज़ उठा रहा है और सरकार तक पहुँचा रहा है। आप सभी PSEL के लीडरों का, सभी संस्थानों का मातृभूमि टीवी तहे दिल सल्यूट करता है आप सभी लोगों को। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।